Good morning students, it is your English class. In today's class we are starting a new topic, rhyming words. Okay, so tell me students, what are rhyming words? Do you know? Okay, rhyming words are those words whose sounds are similar but their meanings will be different. Okay, rhyming words wo words hote hain जिनका साउंड तो सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है. जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल सेम साउंड करेंगे, लेकिन उनका जो मतलब होता है, उनकी जो मीनिंग्स होती हैं, वो क्या है, डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी राइमिंग वर्ड्स. ओके, लेट्स बिगेन आवर क्लासेस. जैसे कि हम लोग ने ई साउंड वर्ड्स पढ़ना है, तो आज के जो राइमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे वो ई साउंड से रिलेटेड होंगे. ओके, तो फर्स्ट के जो फोर वर्ड्स हैं डैट इज ई टी एट से एंड हो रहे हैं. किससे एंड हो रहे हैं? ई टी एट. ई टी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? एट. ई टी एट. ओके, नाउ बी ई टी, बी ई टी बेट. ई टी एट में जब हमने बी आगे लगा दिया तो क्या बन गया? बेट. क्या बन गया? बेट. ओके, बेट मीन्स क्या होता है? शर्त. ओके, नाउ ई टी एट, ई टी एट में जब हमने एन आगे लगा दिया तो क्या बना? एन ई टी नेट. एन ई टी नेट. नेट मीन्स जाल. ई टी एट, ई टी एट में जब हमने पी आगे लगाया तो क्या कौन सा वर्ड फॉर्म हुआ? पी ई टी पेट. पेट मीन्स पालतू. ई टी एट, एट के आगे जब हमने वी लगा दिया तो कौन सा वर्ड फॉर्म हुआ? वी ई टी वेट. वेट क्या होता है? वेट इज अ एनिमल डॉक्टर. ओके, आप देख सकते हैं ये फोर वर्ड एंड कैसे हो रहे हैं? ई टी साउंड से, एट से. जब हम एक साथ इसे पढ़ेंगे, बेट, नेट, पेट, वेट, तो सबके साउंड्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, लेकिन आपने देखा सबकी मीनिंग्स क्या हैं? डिफरेंट हैं. उसी तरीके से अब हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे जो एंड होंगे ई एन एन, एन साउंड से. ओके, ई एन एन, डी ई एन डेन, डी ई एन डेन. डेन मीन्स गुफा. ई एन एन, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन. हैन मीन्स मुर्गी. E-N-N, 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 M-E-N, men, M-E-N, men, men means aadmi. E-N-N, P-E-N, pen, P-E-N, pen, pen means kalam. आप देख सकते हैं ये जो फोर वर्ड्स हैं वो किससे एंड हो रहे हैं? E-N साउंड से, N से. जब एक साथ बोलेंगे तो then, hen, men, पेन. सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट इनकी भी मीनिंग्स डिफरेंट हैं. नाउ थर्ड इज ई डी एड, ई डी एड. अब हम लोग वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो ई डी एड से एंड होंगे. ई डी एड, बी ई डी बेड, बी ई डी बेड. बेड मीन्स पलंग. ई डी एड, एफ ई डी फेड, एफ ई डी फेड. फेड मीन्स खिलाना, खाना खिलाना, फीड करना. ओके, ई डी एट, डब्ल्यू ई डी वेड, डब्ल्यू ई डी वेड. वेड मीन्स शादी कराना या शादी करना, वेड. ई डी एट, ई डी एट, आर ई डी रेड. रेड इज अ कलर. लाल कलर को हम लोग इंग्लिश में रेड बोलते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो फोर वर्ड्स हैं वो ई डी साउंड से एंड हुए हैं. बी ई डी बेड, एफ ई डी फेड, डब्ल्यू ई डी वेड, आर ई डी रेड. ओके, इनके भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग से ये डिफरेंट है. नाउ लास्ट इज ई जी एग, ई जी एग, ई जी एग, बी ई जी बैग. बैग मीन्स मांगना. ओके, भीख मांगना. ई जी एग, पी ई जी पैग, पी ई जी पैग. पैग मीन्स
PEG peg. Peg means keel. EG egg. LEG leg. Leg means pair. VEG veg. VEG veg. Veg means shakahar. Okay? So BEG bag, PEG peg, LEG leg, VEG veg. Okay? तो आप देख सकते हैं ये वर्ड्स भी ईजी साउंड से एंड हुए हैं और इनकी मीनिंग डिफरेंट है. तो आपको ये राइमिंग वर्ड्स को बार बार पढ़ना है. कॉपी में एक चार्ट बना लीजिए, पेरेंट्स इसको नोट कर दीजिए अपने किड्स के नोटबुक में, एंड देन उनसे रीड करने को बोलिए. जितना वो रीड करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें राइमिंग वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, उतना ज़्यादा उन्हें राइमिंग वर्ड्स पढ़ना आएगा और लर्न होगा. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. यू हैव टू रीड ऑल द राइमिंग वर्ड्स. थैंक यू क्लास.